हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल HSE पैरामाउंट में। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है इंस्पेक्शन ऑफ एक्सकवेटर। इसमें हम जानेंगे हाउ टू इंस्पेक्ट एक्सकवेटर विद द हेल्प ऑफ चेकलिस्ट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप एक स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक्सकवेटर का इंस्पेक्शन चेकलिस्ट है। इसमें सबसे पहले है नेम ऑफ द साइट, यानी साइट का जो नाम है उसको यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट है एरिया या लोकेशन। उसके बाद है डेट ऑफ इंस्पेक्शन, यानी कौन से डेट में इंस्पेक्शन हो रहा है उसका डेट मेंशन करना है। नेक्स्ट है इंस्पेक्टेड बाय, यानी कौन कौन इंस्पेक्शन कर रहा है उसका नाम मेंशन कर देना है। नेक्स्ट है मेक या मॉडल, यानी कि एक्सकवेटर का मेक या मॉडल क्या है। नेक्स्ट है एसेट कोड, यानी जो एक्सकवेटर है उसका एसेट कोड या सीरियल नंबर या आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है। उसके बाद है ओन बाई, यानी किसके द्वारा ओन किया गया एक्सकवेटर। और उसके लास्ट में है ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी एक्सकवेटर का ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है। अगर हम बात करें चेकलिस्ट के सबसे पहले पॉइंट की, तो पहला पॉइंट है इंजन एंड रोटेटिंग पार्ट शुड बी प्रॉपरली कवर्ड, यानी जो एक्सकवेटर का इंजन और रोटेटिंग पार्ट हो वो प्रॉपरली कवर्ड होना चाहिए। दूसरा है ट्रैक फ्रेम शुड बी इन गुड एंड वर्किंग कंडीशन, यानी जो एक्सकवेटर का ट्रैक फ्रेम है वो गुड और वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। अगर है तो हम यहाँ पे यस और नहीं है तो नो लिख देंगे। थर्ड है क्रॉलर बेल्ट एंड शू शुड बी इन गुड कंडीशन, यानी जो एक्सकवेटर का क्रॉलर बेल्ट और शूज है वो गुड कंडीशन में, अच्छे कंडीशन में होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों बूम एंड आर्म शुड बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स लाइक कोरोजन बेंड एटसेट्रा, यानी जो एक्सकवेटर का बूम और आर्म हो उसमें कोरोजन बेंड या किसी भी टाइप का कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है हाइड्रोलिक सिलेंडर एंड होजेस शुड बी इन गुड कंडीशन, यानी एक्सकवेटर के जितने भी हाइड्रोलिक सिलेंडर्स और होज पाइप है वो गुड कंडीशन में होने चाहिए, उसमें कोई भी लीकेज नहीं होना चाहिए। सिक्स पॉइंट है बकेट कटर पिन शुड बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स एज फॉर एग्जाम्पल डैमेज कोरोजन या बेंड एटसेट्रा, यानी जो बकेट है कटर पिंस है वो डिफेक्ट फ्री होने चाहिए, यानी कि कोई डैमेज ना हो, कोरोजन ना हो या कोई भी बेंड एटसेट्रा ना हो। सेवन्थ है टीथ शुड बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स एज फॉर एग्जाम्पल डैमेज कोरोजन या बेंड, यानी जो बकेट के टीथ हो वो डिफेक्ट फ्री होने चाहिए, यानी कि डैमेज कोरोजन या बेंड नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है साइड मिरर शुड बी इन गुड कंडीशन, यानी एक्सकवेटर का जो साइड मिरर हो वो गुड कंडीशन में होना चाहिए। नाइन्थ पॉइंट है हेड एंड टेल लाइट एंड इंडिकेटर्स आर इन वर्किंग कंडीशन, यानी कि हेड एंड टेल लाइट्स और इंडिकेटर्स वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। टेंथ पॉइंट है दोस्तों विंडशील्ड और ग्लास शुड बी इन प्रॉपर कंडीशन, यानी जो विंडशील्ड है या ग्लास है वो प्रॉपर कंडीशन में होने चाहिए, उसमें किसी भी टाइप का कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। उसके बाद है वाइपर शुड बी इन रनिंग कंडीशन, यानी एक्सकवेटर का जो वाइपर हो वो रनिंग कंडीशन में होना चाहिए। उसके बाद है स्विंग हॉर्न शुड बी इन गुड कंडीशन, यानी एक्सकवेटर का जो स्विंग हॉर्न हो, यानी कि जब भी एक्सकवेटर को स्विंग करे तो वो हॉर्न बजना चाहिए। उसके बाद का पॉइंट है दोस्तों फायर एक्सटिंग्विशर इन ऑपरेटर केबिन, यानी जो ऑपरेटर का केबिन हो वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल होना चाहिए। और सबसे लास्ट पॉइंट है दोस्तों ऑपरेटर हैव सुटेबल लाइसेंस और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी जो ऑपरेटर हो एक्सकवेटर का ऑपरेटर हो उसके पास सुटेबल लाइसेंस या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और सबसे लास्ट में नीचे देखे दोस्तों तो इंस्पेक्शन बाय पीएनडम नेम एंड सिग्नेचर, यानी जो भी पर्सन पीएनडम से अवेलेबल है इंस्पेक्शन के लिए उसका नेम और सिग्नेचर। एंड नेक्स्ट इंस्पेक्शन बाय ईएचएस नेम एंड सिग्नेचर, यानी जो पर्सन ईएचएस से रिप्रेजेंटेटिव है उसका नेम और सिग्नेचर यहाँ पे करना है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।